अगर और डिटेल में आप चाहते हो तो ये जो शनि है, इसका जो ट्रांसिट है, ये तृतीय स्थान के मालिक राहु के ऊपर भी ट्रांसिट कर रहा है, राइट। सो ये थर्ड हाउस के राहु के भी पे भी ट्रांसिट कर रहा है, शुक्र से भी ट्रांसिट कर रहा है, और चंद्र से सप्तम में होने के कारण यहां पर भी पोजीशन या पद प्राप्ति या इसकी स्थिति बना रहा है। नाउ मेजर ट्रांसिट इन दिस इवेंट इज ऑल दिस प्लैनेट्स आर ट्रांसिटिंग ओवर 10th हाउस फ्रॉम चंद्र, राइट। नाउ नेक्स्ट इवेंट, तो इनमें से मैं कुछ ही इवेंट लेता हूं क्योंकि काफी टाइम हो रहा है। नाउ आई थिंक दिस इवेंट कैन बी गुड। 13th ऑफ फरवरी 2003 ही गॉट नेशनल अवार्ड फ्रॉम लगान। तो ये जो इवेंट है 13 फरवरी 2003 को हुआ, जिस दिन रहमान साहब को नेशनल अवार्ड मिला। किसी भी कलाकार के लिए नेशनल अवार्ड मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है, इट इज समथिंग विच इज रियली वेरी बिग फॉर फॉर एवरी वन, राइट। तो सबसे पहले तो दशा अगर आप देखोगे तो हमने क्या डेट ली है, आई थिंक इट इज 13th of February 2003, so we have to go and check. Now this is a time when he has started into Guru Dasha, Venus Antar Dasha, right? So obviously Guru Dasha, Venus Antar Dasha दोनों एक दूसरे के सामने भी हैं। 11वें स्थान का मालिक गुरु के साथ में संबंध बना रहा है, 11वां स्थान जैसे कि इच्छा पूर्ति का स्थान है, वो सेकंड हाउस में बैठा है। हालांकि धनु लग्न के अंदर शुक्र अच्छे नहीं होते, बट अगर आप इस शुक्र को देखोगे तो रहमान साहब तो पूरे जीवन भर अपने शुक्र से ही कमा रहे हैं और उसी से ही कमाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो इस पर कोई एफ्लिक्शन नहीं है, दूसरा ये अपने दोनों घर से सेफ है। दैट मींस 11वें स्थान से ये चतुर्थ है, 6ठे स्थान से ये नवम पंचम है, राइट। सो ये दोनों स्थानों को ये सेव कर रहा है, और साथ में बृहस्पति का दृष्टि, लग्नेश की दृष्टि जिस शत्रु पे पड़ गई, वो जब बृहस्पति की दृष्टि आपके सिक्स लॉर्ड या सिक्स हाउस पे पड़ जाती है तो आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने कुछ भी नहीं होता, या फिर लोग आपसे शत्रुता का भाव ही नहीं रख सकते। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द नेशनल अवार्ड, सो दिस इज द डेट। इफ यू सी जुपिटर दशा, वीनस अंतर दशा, वीनस वीनस इज द सिक्स्थ लॉर्ड एंड द लॉर्ड ऑफ द डिजायर फुलफिलमेंट इन द सेकंड हाउस अस्पेक्टेड बाय लग्नेश जुपिटर। नाउ इफ यू सी दिस, सो इट शोज अगेन दैट देयर इज अ वेरी दिस इज अ वेरी ग्रेट टाइम फॉर रहमान साहब। इफ यू सी द ट्रांसिट ऑन दैट डे, नाउ जुपिटर अगेन 10th फ्रॉम द चंद्र, राइट, इट इज इन टू रेट्रोगेशन, सो आई कैन से जुपिटर इज ट्रांसिटिंग ओवर 10th लॉर्ड ऑफ द जन्म लग्न ऑल्सो, राइट। एंड फ्रॉम द जन्म लग्न फ्रॉम द रेट्रोगेट ट्रांसिट, इट इज एस्पेक्टिंग द 7th 10th लॉर्ड फ्रॉम द मून चार्ट एज वेल, राइट। बिकॉज तुला लग्न का चंद्र का लग्न है तो उसमें कर्क राशि ही दशम स्थान में आती है, तो गुरु का ट्रांसिट जन्म लग्न के दशमेश और चंद्र लग्न के दशमेश दोनों से, राइट। इफ यू सी दिस सैटर्न अगेन, तो शनि यहां पर बैठकर छठे स्थान में बैठकर कहां कहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, थर्ड हाउस पर डाल रहे हैं, गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं और तृतीय स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर इस सैटर्न को आप रेट्रोगेशन में पकड़ोगे तो शनि खुद चंद्र से सप्तम आ गए, यानी कि चंद्र लग्न के दशमेश पर शनि का गोचर आ गया, चंद्र लग्न और जन्म लग्न के सप्तम स्थान पर शनि का गोचर आ गया। तो सैटर्न अगेन इज शोइंग 7th हाउस से गोचर जा रहा है और दशमेश चंद्र लग्न के दशमेश चंद्र से भी सैटर्न का गोचर जा रहा है। दैट मींस जब भी गुरु और शनि का गोचर 10th लॉर्ड ऑफ द जन्म लग्न और 10th और द चंद्र लग्न यहां से होगा, तो दैट इज ऑलवेज 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 गुड फॉर एनीबॉडीज करियर। Now, if you see other planets, Moon directly was into 7th house, which shows that कि आज पद प्राप्ति या पोजिशन का टाइम है और उसने दशमेश को भी जन्म लग्न के दशमेश बुध को देख लिया है, राइट। सो चंद्र ने बता ही दिया है, शुक्र का गोचर दशमेश के ऊपर है, सूर्य है उन्होंने लग्नेश के ऊपर गोचर किया है, राइट।
और चंद्र लग्न से चौथे स्थान पे गोचर करके चंद्र लग्न के दशम स्थान पर सूर्य का दृष्टि है, राइट। तो सूर्य ने भी अपना ट्रांजिट क्लियर कर दिया कि उसने चंद्र के दशम को प्रभावित कर दिया। एंड देन इफ यू सी मार्स, सो मंगल उस दिन जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन चंद्र लग्न से दूसरे स्थान पर और जन्म लग्न से 12वें स्थान पर बैठकर चंद्र लग्न से जन्म लग्न से सप्तम स्थान को दृष्टि डाल रहे, राइट। और उनका तृतीय पे भी दृष्टि है बट सप्तम पे मेजर उनकी दृष्टि है। दैट मींस ये सभी प्लैनेट उस दिन भी या तो सेवंथ हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे या फिर जन्म लग्न के या चंद्र लग्न के दशम स्थान या दशमेश पे ट्रांजिट हो रहा। सो दिस इज वन मोर इवेंट। आई थिंक नाउ वी कैन टेक एनी अदर इवेंट। व्हिच इवेंट शुड आई टेक? सो आई कैन टेक वन मोर इवेंट। ही गॉट द पद्म भूषण एट ऑन 31st March 2010। सो वी कैन चेंज दिस डेट। So 31st March 2010 he was running into Venus dasha and Venus ki dasha 11 फरवरी 2010 को चालू हुई और ये घटना है 31 मार्च 2010 की। तो ये शुक्र की दशा में ये जो इवेंट है ये घटा है। तो आई विल टेक आई विल चेक दिस Venus आल्सो इन द दशमांश बट लेट्स सी व्हाट वाज हैपनिंग। सो Venus दशा ऑब्वियसली जैसा मैंने एक्सप्लेन किया That Venus दशा इस चार्ट के लिए इसलिए खराब नहीं क्योंकि शुक्र पर लग्नेश की दृष्टि है। शुक्र 11th लॉर्ड होकर चौथे स्थान अपने से चौथे में बैठा है। शुक्र को चंद्र से दिग्बल है, राइट। शुक्र चंद्र लग्न का मालिक है और मित्र की राशि में है, शुक्र ग्रह से दृष्ट है। सो ऑब्वियसली Venus इज नॉट बैड फॉर रेवंस। तो उस समय जिस दिन ये घटना घटी आप देख सकते हैं कि तो उस दिन का ट्रांजिट देख लेते हैं। जुपिटर ऑब्वियसली जुपिटर का ट्रांजिट जन्म लग्न से तृतीय स्थान पर चंद्र लग्न के दशमेश पर है। सो गुरु का झंडी हरी झंडी है। सैटर्न वाज इज रेट्रोगेट डायरेक्टली ट्रांजिटिंग ओवर 10th हाउस एंड इफ इट इज रेट्रोगेट आई कैन सी इट इज आल्सो एस्पेक्टिंग 10th लॉर्ड फ्रॉम द चंद्र लग्न चंद्र, राइट। सो गुरु और शनि का दोनों का संबंध जो है वो चंद्र लग्न से दशम स्थान पर है। नाउ इफ यू सी अदर प्लैनेट्स आल्सो लुक एट दिस मर्कुरी वीनस बिकॉज वीनस का ट्रांजिट देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्र की दशा है। तो शुक्र वॉज ट्रांजिटिंग ओवर मून अगेन तो 10th लॉर्ड फ्रॉम चंद्र लग्न। मर्कुरी इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग ओवर 10th लॉर्ड फ्रॉम द चंद्र लग्न। नाउ वेयर इज सूर्य? सूर्य इज इन द 4th हाउस लुकिंग एट द 10th हाउस फ्रॉम द जन्म लग्न। तो सूर्य का ट्रांजिट भी सीधे सीधे चंद्र जन्म लग्न से दशम स्थान पर है। एनी अदर प्लैनेट लेफ्ट फॉर दैट? एंड देन And on this day, where was the moon? So maybe there is some issue with the software. I cannot see moon. I will just check it. If you want to see Mars again, Mars is transiting 10th from the Chandra and 10th Lord from the Chandra Lagna, right? So the date was the date is 31st of March 2010. So I will make a separate chart. तो चूंकि चंद्र तुला राशि पर है तो उसका सीधा गोचर जो है वो चंद्र लग्न के दशमेश के ऊपर है। दैट मींस ये चंद्र ने भी ये इंडिकेट कर दिया। तो आपने देखा हमने कुछ 4-5 इवेंट्स इस तरीके से प्रेडिक्ट किए। एक भी इवेंट ऐसा नहीं है जिसमें कि ट्रांजिट में कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा हो कि दशम स्थान को या लग्न लग्नेश को प्रभावित नहीं किया हो या चंद्र से दशम पर प्रभावित नहीं किया हो। दिस वॉज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो कि आप ये समझ पाओ कि हमारे जीवन के अंदर कोई भी घटना जो है वो दशा और ट्रांजिट साथ में कुंडली के अंदर संभावना है ये तीनों चीजों को मिलाकर ही होती है, राइट। सो अभी पिछले इवेंट तो काफी प्रेडिक्ट कर लिए हैं। व्हाट आई वांट टू सी इज दैट करेंटली व्हाट इज गोइंग ऑन इन रेवंस ऑफ दशा। इफ यू सी वीनस दशा इज ओवर एंड देन फ्रॉम दिस फेब्रुवरी 2019 He has started into Saturn दशा। अब आपने अगर देखा हो पिछले कुछ टाइम के अंदर तो दो तीन चीजें चल रही हैं। एक तो 2019 के बाद से कोई बहुत ज्यादा विशेष काम आपको रहमान साहब करते हुए नहीं देखेंगे। हालांकि अक्षरा ने लिखा है यहाँ पर कि इनफैक्ट उन्होंने भी जो इवेंट जॉट डाउन किए हैं वो 2018 तक के किए हैं।
मतलब कि मेजर इवेंट्स जो लाइफ में हुए वो 2018 तक ही हुए, उसके बाद ऑब्वियसली उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, बट आपने देखा होगा कि वो ज्यादा इस समय पर आपको दिख नहीं रहे हैं स्क्रीन पर। द रीजन इज दैट दिस सैटर्न जब दशा में आया है तो इसका दो रोल है, सेकंड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड है, दशम स्थान में है, 12वें स्थान के मालिक के साथ में इसका सहयोग है, राइट। नाउ दिस सैटर्न, इफ यू सी दिस सैटर्न, इट इज इन द लग्न व्हिच शोस इन द वंश, इट इज इन द लग्न व्हिच मेक्स रेवंस अ वेरी 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 लेबोरियस ऑल्सो। एंड जब नवमांश के चार्ट में शनि लग्न पर होते हैं तो व्यक्ति बहुत लेबोरियस भी होता है बट थोड़ा सा स्लो भी होता है, जो हमने रेवन साहब में देखा भी है। तो नवमांश में भी सैटर्न अष्टमेश है, इसका संबंध दशमेश से है। ऋषि पाराशर का ये नियम है कि जब भी ट्वेल्थ लॉर्ड से जिस दशा मालिक का संबंध हो, छठे के लॉर्ड से या अष्टम के लॉर्ड से जिस दशा मालिक का संबंध होता है, वो दशाएं करियर के लिए काफी अच्छी नहीं जाती। दूसरे केस में भी तृतीयेश की दशा करियर के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। नाउ चूंकि करियर की बात है तो लेट्स सी एंड व्हाट इज हैपनिंग इनटू डिटेल। इफ यू चेक द सैटर्न इनटू डिटेल, द सैटर्न इज इन इज द 12th लॉर्ड, 11th लॉर्ड इन द 9th हाउस एंड इट इज विद राहु, ऑल्दो इट इज एस्पेक्टेड बाय द 10th लॉर्ड। सो ये जो दशमांश कुंडली के अंदर भी ये शनि 12वें स्थान का मालिक होकर दशम स्थान के मालिक गुरु से संबंध बना रहा है, तो मुझे जो आगे का प्रेडिक्शन लग रहा है वो ये है कि आगे जो इस समय जो शनि का दशा है और साथ में चूंकि उनको ढैया भी चल रहा है, उनका तुला राशि है और अभी अभी जो शनि है वो मकर राशि के अंदर है, तो इस समय जो समय है उनके लिए वो समय करियर के हिसाब से मैं काफी खूबसूरत समय नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि कारण मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तृतीयेश है, 12वें स्थान के मालिक के साथ में संबंध बनाता है, नवमांश में अष्टमेश है, दशमेश के साथ में संबंध बनाता है और दशमांश कुंडली के अंदर 12th लॉर्ड होकर दशम के स्थान के साथ के मालिक के साथ में संबंध बनाता है। मतलब कि ये जो समय है, ये सैटर्न जो है वो हर कुंडली के अंदर छठे, आठवें या 12वें स्थान के मालिक के साथ में संबंध बना रहा है। इसलिए ये जो शनि की दशा है, ये शनि की दशा पूरी की पूरी शनि की दशा मतलब 2028 तक का जो पीरियड है वो मैं बहुत अच्छा नहीं देखता हूँ। स्पेसिफिकली करेंटली अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो टाइम चालू हो रहा है जो कि जून 2022 में चालू होगा, शनि दशा चंद्र अंतर दशा, तो चंद्र इज द 10th लॉर्ड ऑफ द चंद्र लग्न, बट ये दोनों ग्रह एक दूसरे से छठे आठवें हैं और एक दूसरे के परम शत्रु भी हैं। तो ओवरऑल जो आगे का करियर दिख रहा है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखता इस चार्ट के अंदर। मुझे लगता है कि बुध को, शुक्र को, गुरु को, इन ग्रहों को जो भी देना था रहमान साहब को, आप देखो तो 1992 से लगातार 2019 तक बुध की दशा, गुरु की दशा, वीनस की दशा, मतलब दशमेश की दशा, लग्नेश की दशा और लाभेश की दशा, अनटेंटेड लाभेश की दशा, ये लगातार करीब करीब 28 साल, 27 से 28 साल जो है वो इनको मिले। नव शनि का दशा के अंदर जनता 12th लॉर्ड तृतीयेश होकर 12वें स्थान के साथ में संबंध बना रहा है, अभी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम हो रही है। बीच में आपने सुना भी होगा कि वो उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी, उन्होंने रिपोर्ट किया कि इंडस्ट्री के अंदर उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, लोग उनको काम नहीं दे रहे हैं। दिस काइंड ऑफ इवेंट कैन हैपन व्हेन देयर इज साढ़े साथी और मे बी अ ढैया एंड सेम टाइम दिस काइंड ऑफ दशा इज रनिंग। सो आई थिंक जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं स्पेसिफिकली नाउ सैटर्न दशा, मार्स दशा, मार्स अंतर दशा, दैट कैन बी गुड क्योंकि मंगल पंचमेश है और दशम स्थान में है, ये अच्छी हो सकती है। शनि की दशा बुध का अंतर, ये भी अच्छा है कार्य के लिए, बट अभी जो शनि दशा राहु अंतर चला 2020 से मई 2021 तक, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे से द्विदादश है, राहु तृतीय स्थान का मालिक भी है, राहु नवांश में भी चौथे स्थान में अष्टमेश होकर, राहु दशमांश कुंडली के अंदर भी 12वें स्थान का मालिक होकर 9वें स्थान में है, तो ये राहु ऑब्वियसली दशा के हिसाब से शनि दशा राहु अंतर दशा वॉज नॉट ग्रेट, एंड आगे भी जो शनि दशा और चंद्र अंतर दशा आ रही है वो मुझे कुछ बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लगती है। हालांकि चंद्रमा दशम स्थान, चंद्रमा जो है वो 11वें स्थान में है, लग्नेश से चतुर्दशम है, गज केसरी में है, बट स्टिल सैटर्न से छठे आठवें, तो लग्न से उसका प्लेसमेंट अच्छा है, चंद्र की लग्न से भी उसका प्लेसमेंट अच्छा है, बट स्टिल ये एवरेज समय कहूंगा मैं।
धीरे 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 ये जो करियर है इसके अंदर अब वैराग्य का टाइम आ रहा है। वैसे भी चौथे स्थान का शनि व्यक्ति को लोगों से जब खुद की दशा लगाता है तो मन के अंदर एक वैराग्य जैसा भाव क्रिएट करता है। यू विल ग्रेजुअली सी दैट रेवंसा विल नॉट मेक मच अपीयरेंस एंड देन यू वुड लाइक कि वो थोड़ा अपने में ही रहें। जैसा उनका आध्यात्मिक प्रवृत्ति आप देख ही सकते हो कि पंचमेश दशम में है और दशमेश नाइन्थ लॉर्ड जो है वो धर्म कर्म अधिपति योग बना रहा है। नवमांश कुंडली के अंदर भी अगर आप देखोगे तो नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस को देखता है। So I think it is more of a time where he can take some break or maybe he would like to work less. Although जब से सैटर्न का दशा लगी है और ये जो ढैया लगा है उन्होंने कुछ मूवीज की है बट कोई बहुत विशेष सक्सेसफुल चीजें इस समय नहीं दिख रही है क्योंकि इससे पहले जितने भी प्लैनेट्स थे वो सभी एक तरीके के राजयोग में थे। मर्कुरी प्रबल राजयोग में है, लग्नेश खुद राजयोग के अंदर है, एग्जल्टेड है, और उसके बाद शुक्र जो है वो चंद्र से दशम दिग्बली है, राइट, और चंद्र से लग्न से द्वितीय स्थान में गुरु से द्वारा दृष्ट थे। बट ये जो सैटर्न का दशा है ये कोई बहुत ही खूबसूरत नहीं दिख रही। तो अभी के लिए इतना ही। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इसको कट शॉर्ट करूंगा एंड देन जिससे कि हम थोड़े इवेंट्स भी ज्यादा देख पाए और एक आकलन भी और एक एनालिसिस भी प्रॉपरली कर पाए। आप बाकी इवेंट्स आप चेक कर सकते हो, आपके पास मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि ये कैसे हम कर सकते हैं और कैसे किस तरीके से ट्रांजिट अप्लाई होता है। नाउ व्हेन यू स्टार्ट गोइंग फॉर द प्रेडिक्शन तो सेम चीज, जब आप दशा और अंतर से आगे बढ़ते हो उसके बाद ट्रांजिट आपको मन में विजुलाइज करना पड़ेगा एंड देन उस ट्रांजिट को अप्लाई करके द मोमेंट यू विल सी कि गुरु का ट्रांजिट मिल रहा है, शनि का ट्रांजिट मिल रहा है, मतलब दशम दशमेश पर चंद्र लग्न से या जन्म लग्न से गुरु शनि का ट्रांजिट हो रहा है और दशा फेवरेबल है तो जीवन के अंदर आपको इवेंट्स अच्छे होते दिखेंगे। गुरु शनि का ट्रांजिट गलत स्थान पर हो रहा है तो जीवन के अंदर खराब इवेंट्स होते हुए दिखेंगे। ऑल्दो हमारी जो स्टूडेंट है उन्होंने इसमें कोई बैड इवेंट लिस्ट नहीं किया, अदरवाइज हम कोई बैड इवेंट भी उनके जीवन के अंदर देख सकते थे। बाकी मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं कि उनके लाइफ में अभी तक कोई बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो बाहर आई हो अगर कुछ खराब हो रहा हो तो, राइट। सो इसके लिए आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को चाहो तो दोबारा देखना और उसको फिर हम एनालाइज करते हैं और आगे भी कुछ सेलिब्रिटीज का चार्ट अपन एनालाइज करेंगे, देखेंगे उनके जीवन में क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो उनको सेलिब्रिटीज बनाती हैं एंड देन हाउ दिस इवेंट्स हैपन इन देयर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच।